नमस्कार, मैं प्रिय रंजन। और आज के इस एपिसोड में टाटा पावर ने अपने Q4 के नंबर्स डिक्लेयर करे, तो उसके क्या नंबर्स रहे, क्या डिविडेंड मिला, आगे के क्या ट्रेंड दिखेंगे, सभी पॉइंट्स को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है तो। और अभी भी आप अगर बाजार के बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे मास्टर क्लास को आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो टाटा पावर ने अपने Q4 के नंबर्स डिक्लेयर करे, और इस डिक्लेरेशन से पहले भी स्टॉक में देखें तो पास्ट वन ईयर में लगभग 112% तक की तेजी दिखी है, सिक्स मंथ में देखेंगे तो लगभग 74% की तेजी देखने को मिली है। अब Q4 के नंबर्स कैसे रहे, क्योंकि आगे के ट्रेंड इसी पे डिपेंड होने वाला है। और Q4 के नंबर्स को देखें इससे पहले, आई होप कि इस चैनल को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। इस समय वीडियोस में कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन लास्ट टाइम हमने 3 स्टॉक आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करा, वो आउट परफॉर्म करते दिखे। पहला हमने आपको कहा अमर राजा बैटरी मोबिलिटी वाली स्टॉक, दूसरा हमने आपको वेदांता कहा, और तीसरा इस समय शॉर्ट टर्म के लिए हमने कोटक आपको सजेस्ट करे। सभी स्टॉक देखें तो इस समय जो भी हमने आपको सजेस्ट, CDSL हमने आपको कहा, CDSL आउट परफॉर्म करा, कैम्स स्टॉक हमने कहा, वो आउट परफॉर्म करा। तो रेगुलर बेसिस को चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योरली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सबसे पहले इसके Q4 के नंबर्स को समझें। यहां हमने Q4 के नंबर्स को निकाल रखा है, जहां देखेंगे 1500 कितना 1500847 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लेयर करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रॉफिटेबिलिटी की कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करा, तो वो प्रॉफिट यहां पे देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा है वो लगभग 1045 करोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस रहे। एंड आई नो कि ऐसे आपको अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनर पे लेकर के चलूंगा। इस समय कंपनी का मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। एक बार इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स को देखेंगे, 15,847 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लेयर करे, और प्रॉफिट देखेंगे तो 1,046 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट रहे। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स तो थोड़े वीक रहे, फ्लैट नेगेटिव रहे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर्स आउट परफॉर्म रहा, 12-15% के आसपास के प्रॉफिट के ग्रोथ दिखे, और रेवेन्यू में भी देखेंगे तो अपने को ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ ही यहां आगे देखेंगे तो कंपनी की जो प्रमोटरशिप होल्डिंग है वो एज इट इज है। इसके साथ ही देखेंगे तो FI ने नॉमिनल होल्डिंग्स घटाए हैं, FI ने DI ने भी नॉमिनल घटाए हैं, और ये सारा पोजीशन पब्लिक के लगभग देखेंगे तो 1% की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखी है। तो ये इसके क्वार्टरली नंबर्स अपने को देखने को मिला है। यहां देखेंगे कंपनी का जो करंट वर्किंग कैश जो है वो देखेंगे लगभग डबल होते दिखा है। कंपनी ने रेन्यूएबल एनर्जी सोलर के सेक्टर में देखें या फिर EV के इंफ्रा के अंदर देखें तो कंपनी ने काफी निवेश करा हुआ है, और इस समय जो कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 39 का है और इंडस्ट्री PE 28 है। और मुझे लगता है ये PE कॉन्ट्रेक्शन इसके क्वार्टरली नंबर्स के इंप्रूवमेंट के बाद होते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही कंपनी ने ₹2 पर शेयर के डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है। ₹2 इसके फेस वैल्यू से 200 होता है, क्योंकि फेस वैल्यू इसका 1 है, तो कंपनी ने ₹2 के डिविडेंड भी डिक्लेयर करे हैं, और इस डिविडेंड में इस समय रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, तो इसके रिकॉर्ड डेट आएंगे तो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। टेक्निकली अपने हाई से स्टॉक 7-8% करेक्ट हुआ है, ईयरली 115% के रिटर्न दिखे हैं, वॉल्यूम कंसोलिडेट बेस पे दिख रहा है। अब एक बार इसके चार्ट को देखें कि आखिर टेक्निकली स्टॉक के क्या व्यूज दिखते हैं। अब मैंने इसके टेक्निकल लेवल्स को ओपन कर रखा है। टेक्निकल लेवल्स को अगर आप देखें तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि स्टॉक जो है एक रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, वो कंसोलिडेट किस प्राइस पे हुआ, लगभग 260 के प्राइस पे, और जब इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करा, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू एक चैनल में रहा और इस चैनल को हायर हाई हायर लो
कहते हैं। कंटिन्यू आउट परफॉर्म, जब भी डीप दिखी ट्रेंड कंटिन्यू, डीप ट्रेंड कंटिन्यू, डीप ट्रेंड कंटिन्यू। इस चैनल को क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लो। और क्वार्टरली नंबर्स भी बेटर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़े गिरावट दिख सकते हैं। इस समय यहां ये देखेंगे डबल टॉप रहा था प्रीवियस, ये एक कंसोलिडेट सपोर्ट रहा, फिर ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो इस समय हमारे लिए दो मेजर सपोर्ट है, पहला सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 420 का है और दूसरा सपोर्ट लगभग 374 का है। तो ये दो सपोर्ट, ये सपोर्ट उनके लिए इंपोर्टेंट है जो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस लेवल को ब्रेकडाउन पे इस लेवल का वेट करेंगे। अगर ये दोनों ही जोन पे जो धीरे धीरे स्टॉक को एवरेज आउट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के ट्रेडर हैं, उनके लिए ये दो जोन है जहां पे वो बाइंग कर सकते हैं। ये दोनों जोन क्यों, इस जोन पे क्यों बाइंग करें जब ये भी जोन मिल रहा है, क्योंकि नो वन नोज कि स्टॉक यहां से रिवर्सल लेगा या यहां से। इसीलिए हम लेवल्स फाइंड आउट करते हैं और उस लेवल्स को धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, बाइंग करते हैं। शॉर्ट टर्म टेक्निकली क्या है, शॉर्ट टर्म जब तक ये लेवल्स जो रेजिस्टेंस था वो इस समय सपोर्ट बनेगा, तो जब तक 420 को ब्रेकडाउन नहीं करे, हर डीप एक अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्रेश बाइंग। और ऊपर के तरफ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 462 के लेवल का ब्रेकआउट करे। एक बार ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहां से 520, 600 और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म यानी टू ईयर होल्डिंग वाले को 1000 तक के लेवल्स भी दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में अभी भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।